हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू योर चैनल नेम आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो काफी इंटरेस्टिंग है और वो है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बैकग्राउंड ऑफ आरवीएनएल आरवीएनएल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो इंडियन रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिवेलप और इम्प्लीमेंट करता है इसका मेन फोकस है रेलवे नेटवर्कस को अपग्रेड करना और नए प्रोजेक्ट्स को एक्सिक्यूट करना कंपनी को 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था और अब यह एक प्रोमिनेंट प्लेयर है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजनेस मॉडल आरवीएनएल का बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है यह प्रोजेक्ट्स को डिजाइन कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट करते हैं इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट नहीं करती बल्कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी हैंडल करती है इसे कंपनी को स्टडी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलता है रीसेंट परफॉर्मेंस अगर हम आरवीएनएल के रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ रिकॉर्ड किया है रीसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों हाई इंक्रीज ह्यू है स्टॉक प्राइस भी रीसेंट टाइम्स में स्टेबल और ग्रोथ ट्रेंड दिखा रहा है ग्रोथ पोटेंशियल अब बात करते हैं आरवीएनएल की ग्रोथ पोटेंशियल की गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का फोकस बढ़ रहा है और इंडियन रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन प्लान भी चल रहा है इसका बेनिफिट आरवीएनएल को डायरेक्टली मिलता है आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का फोकस रेलवे के डेवलपमेंट पे है जो आरवीएनएल के लिए एक पॉजिटिव साइन है रिस्क लेकिन हमेशा रिस्क फैक्टर्स भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डिलेस गवर्नमेंट पॉलिसीज और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस कुछ रिस्क है जो स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले इन फैक्टर्स को जरूर कंसिडर करें इन्वेस्टमेंट एडवाइस आरवीएनएल में इन्वेस्ट करना एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्पेशली अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें कंक्लूजन तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में जाना है तो वो भी बताए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद